रॉयल बंगाल टाइगर प्रकृति की अद्भुत रचनाओं में से एक है, लेकिन क्या होगा जब इसकी लड़ाई साउथ अफ्रीकन लायन से हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम साउथ अफ्रीकन लायन और नॉर्थ बंगाल टाइगर से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में जानने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अफ्रीकी शेरों को साहस और शक्ति के प्रतीक के रूप में पूरे इतिहास में सराहा गया है। बिल्ली परिवार में इन प्रतिष्ठित जानवरों के शरीर काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। वे आकार में केवल बाघों के लिए दूसरे स्थान पर होते हैं और दहाड़ जिन्हें 5 किलोमीटर की दूरी से भी आसानी से सुना जा सकता है। एक वयस्क शेर का कोट पीले सोने रंग का होता है और इनमें हल्के धब्बे देखने को मिलते हैं, जो कि उम्र के साथ गायब होते जाते हैं। अफ्रीकी शेर समूह में रहते हैं। इनमें पुरुष की लंबाई 170 से 250 सेंटीमीटर तक की होती है और यदि हम बात करें इनके ऊंचाई की तो ये 100 से 128 सेंटीमीटर की ऊंचाई रखते हैं, तो 50 से 250 किलोग्राम तक का हो सकता है। अफ्रीकी शेर का कोट सफेद में पीले भूरे रंग में भिन्न होता है। अफ्रीकी शेर एक मांसाहारी जीव होते हैं, जो कि हिरण जैसे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें बंगाल टाइगर की, तो बंगाल टाइगर या पैंथेरा टाइग्रिस प्रकृति की सबसे अद्भुत रचनाओं में से एक है। यह बाघ परिवार की एक उप प्रजाति है और भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के क्षेत्रों में पाई जाती है। रॉयल बंगाल टाइगर का विशाल आकार आपको खौफ में डाल सकता है। पूरी तरह से विकसित एक बंगाल टाइगर 9 फुट तक की लंबाई तक का हो सकता है। मादा बंगाल टाइगर नर के मुकाबले छोटी होती है। इनका वजन करीबन 320 पाउंड तक का हो सकता है। इस बाघ का विशाल शरीर उसे इस काबिल बना देता है कि अपने से भारी शिकार को भी एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है। मांस खाने वाले स्तनधारी जीवों में बाघ के कैनाइन दांत काफी ज्यादा लंबे होते हैं। यह दांत करीब 4 इंच तक बढ़ सकते हैं। ये जानवर समूह में ना रहकर अकेले ही अपना शिकार करते हैं। बाघों का भारी शरीर पेड़ पर चढ़ने के अनुकूल नहीं होता है, लेकिन ये जानवर काफी अच्छे तैराक माने जाते हैं। और अब आखिर में हम बात करते हैं कि आखिर अफ्रीकन लायन और बंगाल टाइगर की लड़ाई में कौन सा जानवर सबसे ज्यादा शक्तिशाली साबित होगा। ये दोनों ही जानवर 80 किलोमीटर की दूरी तक भाग सकते हैं और इनके पंजों की लंबाई 10 सेंटीमीटर तक की होती है, लेकिन शेर का बाइट फोर्स 1000 PSI तक का होता है। वही बाघ का बाइट फोर्स 1050 PSI तक का होता है और इसी कारण इस लड़ाई में रॉयल बंगाल टाइगर की ही जीत होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको अफ्रीकन लायन और बंगाल टाइगर से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में बताया है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आती है तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दें।